आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। देश में तमाम तरह के राजनीतिक मुद्दे ज्वलंत हैं, पर इन मुद्दों के अलग हम कुछ ऐसी बात करने के लिए बाध्य हो चुके हैं क्योंकि ये बात जनता से जुड़ी हुई होती है। और जब कभी सरकार देश में ऐसे नियम कायदे को लेकर आती है जो कानून और कायदा लोगों के नुकसान से जुड़ा होता है, लोगों की अनदेखी से जुड़ा होता है, लोगों की उपेक्षा जुड़ा होता है, तो इस मुद्दे को उठाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। और हम खबरन 20 होने के एक जो हमारा रोल है, जो हमारा एक काम है, उसको हमेशा निभाते चले आए हैं। आज जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सरकार जनप्रतिनिधियों के जो खर्च है उसमें वृद्धि कर रही है, जनप्रतिनिधियों के जो रियायत है उसमें वृद्धि कर रही है, उनकी सुविधाओं में वृद्धि कर रही है, उनकी मानदेय वृद्धि कर रही है, और तमाम ऐसी योजना है जो कि आम जनता के लिए ख़त्म हो चुकी हैं, पर वो योजनाएँ आज भी हमारे महान नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के लिए जारी है। मुझे किसी की योजना से यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। मैं यहाँ पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी योजना पर कटाक्ष करने नहीं बैठा हूँ, पर मेरा मानना केवल यह है कि अगर कुछ सुविधाएं देश के जनप्रतिनिधियों को मिलती हैं, विधायक को मिलती है, सांसदों को मिलती है, मंत्रियों को मिलती हैं, तो उन सुविधाओं से देश के वरिष्ठ नागरिकों को वंचित क्यों किया जा रहा है? जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने हैं कि जो वरिष्ठ नागरिकों को आज से पहले छूट मिलती थी, और ये छूट थी रेलवे के किराए में 40 से 50%, यानी अगर महिला होती थी 40%, जो पुरुष होते थे उसके लिए 40% और महिलाओं के लिए 50% की छूट मिलती थी रेलवे के हिसाब से। जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 साल से ऊपर है, जाहिर सी बात है जब आदमी 60 साल का होता है और अगर सरकारी नौकरी में होता है तो वो पेंशन पे आता है। हालांकि अब पेंशन व्यवस्था भी खत्म हो गई है, पर इसके अलावा जो प्राइवेट होता है वो भी अपनी नौकरी से हाथ धोकर बैठ चुका होता है। तो प्राइवेट नौकरी में पेंशन तो मिलती नहीं है, और अब सरकारी व्यवस्थाओं में भी ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि आपको पेंशन नहीं मिलती, एक मुश्त आपको रकम मिलेगी, उसका आपको उपयोग जैसे करना वो आप उपयोग कर सकते हैं। पर इसके अलग जो सोचने वाली बात यह है कि 2016-17 ये क्रम चलता रहा, 18 से 20 तक ये क्रम चला, पर जैसे ही भारत में कोरोना ने अपने पैर पसारे और इस वैश्विक महामारी के चलते जो गाड़ियाँ थी वो कुछ बंद भी की गई, कुछ चलाई गई, और उसी के चलते 2020 के बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं, खिलाड़ी हैं और तमाम ऐसे कोटे हैं जनप्रतिनिधियों को छोड़कर, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों को छोड़कर उन कोटों में कटौती की गई है और रियायत जो है वो बंद कर दी। अब वो रियायत बंद क्यों की गई? क्योंकि रेलवे नुकसान में है, कोरोना के चलते रेलवे नुकसान में है, और इसके चलते रेलवे को, जो रेलवे के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जो अब तक रियायत बंद चल रही थी वो बंद ही रहेगी, उस पर हम दोबारा शुरुआत नहीं करेंगे। और 2020 से जो बंद हुई रियायत अब भी जारी है, और जब फैसला लेने की बात आई थी कि क्या इस रियायत को शुरू किया जाएगा तो कहा गया कि ये रियायत शुरू नहीं होगी। अब बुजुर्ग खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को जो रेल का किराया है वही चुकाना होगा, उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। वो छूट जो कुछ समय पहले तक 2020 तक 40 से 50% चलती थी, 40% पुरुषों के लिए और 50% तक महिलाओं के लिए। इस मामले सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश में अगर इस वर्तमान आबादी माने, जो हमारा देश है, लोग बोलते हैं 125 करोड़, पर अभी इस समय आबादी हमारे देश की 140 करोड़ के लगभग हो चुकी है, और 140 करोड़ की आबादी में जो बुजुर्गों का आंकड़ा है वो लगभग 10 से 15% है, यानी 14 से 18 करोड़ इस समय बुजुर्ग हैं। उन बुजुर्गों में यात्रा कितने लोग करते हैं? सभी यात्रा भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि चलने फिरने में असमर्थ हैं और वो यात्रा नहीं कर पाते हैं। गिने चुने अगर बात करें तो, आंकड़ों की बात करें तो 3.79 करोड़
2.5 करोड़, 5.7, यानी जो आंकड़ा है बुजुर्गों का, उसमें से आधे लोग ही यात्रा करते हैं और आधे लोग ही उस यात्रा का रियायत का लाभ लेते थे, पर उस रियायत को ही बंद कर दिया गया है। पर ये रियायत जो हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, उनको लगातार जारी है, उनके लिए कोई कटौती नहीं, कोई रियायत यहाँ पर नहीं की गई है। मेरा मानना है अगर आप जनप्रतिनिधियों को रियायत दे रहे हैं तो आपको रियायत वरिष्ठ नागरिकों को देना चाहिए। रेलवे का कहना है, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री, उनका कहना है कि सरकार को नुकसान हुआ। तो मैं आपको बता दूं, 2018 से लेकर 20 यानी लगभग 3 साल रेलवे ने जब वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दी, उसके चलते रेलवे को लगभग 3200 करोड़ का खर्च करना पड़ा था, खर्च किए थे। और जब 2020 के बाद से रियायत बंद हो गई है, अगर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक का आंकड़ा निकाले तो उस आंकड़े के तहत रेलवे ने लगभग 3400 करोड़ की आमदनी की है, यानी कि अगर हम रियायत नहीं देते तो हमें लगभग 3400 करोड़ का कमा लिया है। बहुत बड़ा आंकड़ा 3400 करोड़ नहीं, जहां एक तरफ हम अपने सांसदों विधायकों को लाखों तनख्वाह दे रहे हैं, मानदेय दे रहे हैं, व्यवस्थाएं दे रहे हैं, टेलीफोन का बिल दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, ऑफिस कार्यालय के लिए खर्च के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वहीं उनको 1 लाख तक का जो मुफ्त यात्रा है वो तो तब देते जब वो रिटायर्ड होते हैं या जब वो उनकी सांसदी चली जाती है, जब उनके आगे पूर्व लग जाता है, और जो वर्तमान है उनको कई तरह से रियायत मिलती है, हवाई यात्रा में रियायत मिलती है, उनके परिवार को रियायत मिलती है, और सांसदी विधायकी वाले पद से हटने के बाद, मंत्रालय छूटने के बाद भी ये रियायत चलती रहती है, और साल में 1 लाख रुपये का उनका वो भी मिलता है उनको यात्रा का खर्च, और लगातार उनके परिवार को यात्रा का खर्च मिलता रहता है, उनको जो व्यवस्था है पेंशन के माध्यम से, तमाम माध्यम से उनको मिलती रहती है। ये मैं व्यवस्था बता रहा हूँ आपको जनप्रतिनिधियों की। पर भाई बुजुर्ग जो हमारे देश की धरोहर हैं, जो हमारे देश की कभी नींव रहे हैं, कभी हमारा आधार रहे हैं, उन लोगों के जो रियायत में वो कमी कर दी गई है। कमी क्यों कर दी गई है? कि रेलवे नुकसान में है। अगर रेलवे नुकसान में है तो फिर आप रियायत सबकी ख़त्म करिए भाई। जो लोग नौकरी से पेंशन पे आ चुके हैं, जो लोग प्राइवेट से नौकरी से की जा चुकी है, उनसे तो आप पूरा पैसा वसूलना चाहते हैं, पर जो लोग, जो हमारे माननीय लोग हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनकी पर चला भी जाता है, अगर उनके आगे पूर्व भी लग जाता है, तो उसके बावजूद उनको जीवन भर पेंशन मिलती है, उनको जीवन भर लाभ मिलता है, उनको जीवन भर यात्रा में छूट मिलती है। इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के लोकतंत्र में महान बड़ा पद निभाया है, वो विधायक भी रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, तो ये बड़ा पद है, उसके बड़ा पद के चलते उनको हमेशा सुविधाएं मिलेंगी, और सुविधाएं में अगर कटौती होगी तो कटौती होगी केवल हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों की, हमारे देश के सीनियर सिटीजन को। हालांकि ये पटकथा की शुरुआत अभी नहीं हुई, इस पटकथा की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2016 में रेलवे ने एक विकल्प वैकल्पिक रूप से शुरू किया था रियायत छोड़ने की शुरुआत, यानी वैकल्पिक बना दिया था उन्होंने कि आप चाहें तो अपनी रियायत छोड़ सकते हैं। ये मैं 16 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 2017 में रेलवे ने वैकल्पिक के तहत योजना भी ला दी थी, यानी आपको टिकट में एक टिक भी मिलेगा कि अगर आप चाहें तो रियायत छोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने रियायत छोड़ी भी, पर वो सक्षम हैं, वो सक्षम है इसलिए हैं क्योंकि समाज के उस तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, और वो चाहे तो रियायत छोड़ भी सकते हैं। जैसा कि हमने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी वाले मामले में देखा कि लोगों ने अपने मन से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी सब्सिडी छोड़ने की, तो उन्होंने सब्सिडी छोड़ी, पर सबने नहीं छोड़ी। ये आंकड़ा गिना चुना है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, ये आंकड़ा वो है जो समाज के मजबूत लोग हैं, जिनका पैसा है, वो लोग ये छोड़ सकते हैं, जिनको रियायत की आवश्यकता नहीं है, जो 2000 का टिकट 2000 बस व्यय करने में, उसको लेने में सक्षम है। पर जो लोग ये चाहते हैं कि 2000 का टिकट हमको 1000 में मिले, 500 का टिकट हमको 250 में मिले, वो लोग कभी रियायत छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दिक्कत इसलिए भी है कि कोरोना महामारी की मार अगर देश में रेल मंत्रालय में पड़ी है तो कहीं ना कहीं कोरोना की मार देश में सभी जनता पर, कोरोना का असर वैश्विक रूप से रहा है, केवल एक मंत्रालय पे, केवल एक व्यक्ति पे, केवल एक राज्य पे, केवल एक समाज पे नहीं रहा, कोरोना का जो असर है वो पूरे वैश्विक रूप से रहा है।
हर तबके पर रहा है और सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ है कोरोना से, वो हुआ है जनता। क्योंकि यहाँ पर मंत्रालय नहीं है, यहाँ पर जनता ने अपनों को खोया भी है, अपने मुखिया को भी खोया है, समस्या देखी है, आर्थिक स्तर पर नुकसान उठाया है, पैसा खर्च होने के बावजूद भी जान नहीं बचाई जा सकी, और साथ ही साथ जो कारोबार था, जो नौकरियां थी, वो भी लोगों की छूट गई, कारोबार बंद हो गए। और इस समय अगर लोगों ने आपका साथ दिया, अगर बुजुर्गों के लिए रियायत बंद की गई थी, तो अब जब 2022 में जब नए आर्थिक शिखर पर जा रहे हैं, जब हम प्रयास कर रहे हैं आर्थिक महाशक्ति बनने का, जब हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, तो मैं देश के लिए जो वरिष्ठ नागरिक है, जो कभी हमारे देश की नींव रहे, कभी देश का आधार रहे हैं, हमारे धरोहर हैं, उनके लिए जो रियायत चलती, तो उस रियायत को शुरू करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लगातार किराया बढ़ाते हैं, हम लगातार टैक्स बढ़ाते हैं, और जनता सरकार के सभी नियमों को, सभी जो कायदों को है, मानती है, भले ही ऊंचे मन से माने या तकलीफ होती है, पर क्योंकि सरकार का कहना है कि हम विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और अगर कोई टैक्स या नियम बनाया जाता है तो वो जनता के भले के लिए बनाया जाता है। पर मेरा मानना है कि अगर आप कोई बढ़ोतरी कर सकते थे, तो किराए में आप थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते थे, और उस किराए की बढ़ोतरी से आप अपने इस जो आपका जो नुकसान आप व्यय आप समझते हो, जिसको व्यय कि अगर बुजुर्गों को यात्रा कराएंगे तो हमने यानी 3 साल के अंदर लगभग 3200 करोड़ रुपये रेलवे खर्च करने पड़े, तो वो आय आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको वहाँ से सामंजस्य बैठा सकते हैं थोड़ा बहुत किराए में वृद्धि करके। पर रियायत बंद कर देना, देश के बुजुर्ग नागरिकों की उपेक्षा करना, उनकी अनदेखी करना, हमारी जो धरोहर हैं उनको पीछे छोड़ना, ये बात सही नहीं। मैं यहाँ पर सरकार को कोई निशाना बनाना नहीं चाहता, मेरा कहना यह है कि जब भी आप कोई कदम उठाते हैं तो देश की जनता आपके साथ कदम से कदम मिला के चलती है। जब आप कोरोना में लॉकडाउन की घोषणा करते तब भी जनता आपका साथ देती है, जब आप नोटबंदी की घोषणा करते तब भी जनता आपका साथ देती है, जब आप थाली बजवाते तब भी जनता आपके साथ देती है, जब आप दिए जलवाते हैं तब भी जनता आपका साथ देती है, और कदम से कदम मिला के चलती है। GST का बोझ बढ़ाया जाता है तो भी जनता आपका साथ देती है, पर जब रियायत की बात आती है तो आप तब जनप्रतिनिधियों में और बुजुर्ग नागरिकों में क्यों अंतर रखते हैं, क्यों पक्षपात किया जाता है? अगर हमारे देश के जनप्रतिनिधि हमारे लिए अमूल्य हैं, तो हमारे देश के जो बुजुर्ग नागरिक हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, और हमारे जो वृद्ध जन हैं, उनके लिए रियायत में कटौती नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार बड़ा आवश्यक है। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक अंदाजा नहीं सकते कि कितना कष्ट हो सकता है, क्योंकि सभी लोग समाज में अच्छे मुकाम पर नहीं होते, अच्छे धनाढ्य नहीं होते हैं कि वो उनको रियायत के चलते उनको कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं 14 करोड़ की 15 करोड़ की आबादी में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो चाहते हैं सरकार उनकी रियायत को जारी रखे, जो चाहते हैं कि सरकार समझे उनका दर्द क्या है, जो चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के चलते अपने लोगों को खोया है, जो चाहते हैं कि कोरोना के चलते उनका कारोबार उनकी नौकरी जा चुकी है, जो चाहते हैं जो आज भी आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं, और अगर सरकार उनकी रियायत को भी छीन लेती है तो निश्चित रूप से उनके साथ ही गलत है। मैं यहां पर अगर रियायत की बात करता हूं तो जो रियायत अगर जनप्रतिनिधियों को दी जा रही है तो रियायत इनके लिए भी होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केवल यह नहीं कहना चाहता हूं कि आप जनप्रतिनिधियों की, हमारे माननीय विधायकों की, हमारे माननीय सांसदों की, हमारे माननीय मंत्रियों की आप आय बंद कर दें, या उनका मानदेय कम कर दें, या उनको देने वाली रियायत कम कर दें। मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूँ, पर मेरा मानना यह है जब आप उनको दे रहे हैं तो हमारे देश के जो वृद्धजन हैं, जो हमारे धरोहर हैं, उनको भी आप देना चाहिए, क्योंकि माननीयों के खर्च में भी हल्का खर्च नहीं आता, उस पर भी बड़ा खर्च आता है, उसका आंकड़ा जोड़ेंगे तो वो भी अरबों में है। मैं कोई आंकड़ा पेश करना नहीं चाहता हूँ, पर रिपोर्ट बताती है उसका आंकड़ा भी अरबों में है, और अरबों खर्च होते हैं हमारे देश की जनप्रतिनिधियों पर। जाहिर सी बातें काम करते हैं, देश की बात जनता की बात पहुंचाते हैं, जनता ख्याल रखते हैं, विकास की बात करते हैं, हर मोर्चे पर देश के लिए खड़े रहते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मोर्चे पर खड़े रहते तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कभी हमारे देश में मोर्चे पर खड़े रहे थे। कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर कारण बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते देश में नुकसान हुआ, आर्थिक मोर्चे में समस्या हुई, और समस्या के चलते इस तरह की जो रोक थी वो अब जारी की जा रही है, और बुजुर्गों को कोई यहाँ पर रियायत नहीं दी जाएगी। पर मेरा मानना है एक बार इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये कोई मामला नहीं है, ये आपका अहम संवेदनशीलता दिखाने वाला प्रश्न है।
यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर आपकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, यहाँ पर विचार नहीं है, यहाँ पर आपकी सोच है कि आप अपनी सोच को कितना वृद्ध कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर जनप्रतिनिधियों को रियायत जरूरी है तो हमारे देश के वृद्ध लोगों को भी रियायत जरूरी है। आप कोई अन्य पैमाना रखकर, आप अन्य कोई वृद्धि कर अन्य कोई व्यवस्था कर अपना घाटा पूरा कर सकते हैं, पर हमारे देश के जो लोग वृद्ध लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग परिजन हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो धरोहर है, उसके लिए सोचना जरूरी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, रेल मंत्री से भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा विचार कर सकते हैं। अगर रियायत पूरी नहीं तो थोड़ा अभी रियायत दे देंगे तो भी लाभ हो सकता है, तो भी उनको थोड़ा सा सहूलियत होगी। मैं मानता हूँ कि कोरोना के चलते देश में तमाम तरह की व्यवस्था ली गई और तमाम तरह से हम भारत सरकार ने बेहतर काम भी किए। भारत सरकार अगर कामों की बात करूँ तो 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर मुफ्त राशन योजना की व्यवस्था की गई है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर हम विश्व के कंपेरिजन करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी केवल और केवल 14.5 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी अपने माध्यम से। वो एक संगठन है जो कि वैश्विक रूप से विश्व संगठन है, पर यहाँ पर भारत सरकार द्वारा कोरोना के चलते अपने 80 करोड़ लोगों को जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि गरीब हैं, उनके लिए जिनकी आर्थिक मोर्चे पर दिक्कत रही है, जिनकी नौकरी चली गई, जिनके कारोबार बंद हो गए, उन सभी के लिए, उन 80 करोड़ देशवासियों के लिए यहाँ पर मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। और मैं मानता हूँ सरकार ने समय पर कोरोना के चलते लगातार बड़े कदम उठाए और देश की जनता को यहाँ पर अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो रही है तो मुफ्त राशन योजना के तहत उनको लाभ भी पहुँचाया, पर निश्चित रूप से यहाँ पर खर्च भी होता है और सरकार ने खाद्यान्न से संबंधित और तमाम तरह की योजना के माध्यम से लोगों को सहेजा, जान बचाई, दो दो स्वदेशी टीकों का निर्माण कराया, उनका निर्यात भी किया और देश में मुफ्त यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई। मैं सरकार की सारी जो योजनाओं से कार्ययोजनाओं से संतुष्ट हूँ, पर मेरा मानना यह है कि जब हमने सब कुछ बेहतर किया है और अगर बुजुर्गों ने उस समय साथ दिया था कोरोना महामारी के चलते 2020 से लेकर 22 तक अब तक कोई रियायत नहीं दी गई थी, तो अगर रियायत देने का बात चल रही है तो यहाँ पर रियायत दी जा सकती है, भले रियायत कम हो पर रियायत मिलनी चाहिए। अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारत सरकार से उम्मीद करूंगा जैसा बेहतर आप काम करते नजर आ रहे हैं, बेहतर काम करते रहिए, पर हमारे धरोहर को, हमारे वृद्ध परिजनों को, हमारे 14 करोड़ की आबादी जो कि वृद्धों की है, जो लगातार हमारी संस्कृति को सजोए हुए है, जो लगातार हमारा अनुभव को दिखाती आई है और जो हमारी एक धरोहर है, ऐसी धरोहर जो हमेशा हमारे ऊपर एक आशा बनाए रहती है और जिसके माध्यम से हमने अपनी ज़िंदगी का कहारा सीखा है और आगे बढ़ने का सबक सीखा है। भारत विश्वगुरु बनने के अग्रसर है और अग्रसर होने के चलते हमको अपनी हर धरोहर की तरफ ध्यान देना जरूरी है और समाज के हर तबके की हमको अनदेखी नहीं करनी है, समाज के हर तबके को विकास की मुख्य धारा में लाना है और अपनी धरोहर को भी संजोए रखना है। इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार आवश्यक है और मेरा मानना है अगर कुछ छूट यहाँ पर दी जा सकती है और अगर जो छूट पुरानी थी वो अगर लागू हो सकती है निश्चित करना चाहिए, इसके लिए कोई अलग पैमाना भी तैयार किया जा सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।